हेलो एवरीवन, वेलकम इन टीम दीवाना आईएएस एंड गेट। माई सेल्फ कुलदीप सिंह राठौड़, गेट 2020 ऑल इंडिया रैंक 29। इन गेट 2019 आई सिक्योर ऑल इंडिया रैंक 478। करंटली आई एम परसिंग माई एमटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली एंड आल्सो वर्किंग एज ऑनलाइन फैकल्टी ऑन वेरियस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट। सो गाइज, मैंने लास्ट वीडियो में आपको फॉर्म फर्स्ट एंड फॉर्म सेकंड सिखाई थी इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए, कि कब हमारा जब अगर सोल्यूशन से वो नहीं मिल पा रहा हमें सिंपल वेरिएबल मेथड और अदर मेथड से, तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज करते हैं उस पर्टिकुलर नॉन एग्जैक्ट इक्वेशंस को एग्जैक्ट इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए। तो उसी में अगर हम कभी कभी क्या होता है कि हमें सिंपल फॉर्म दी हुई होती है, कभी कभी हमें डायरेक्टली, जैसे हमें पता कैसे चलेगा कि हमें फॉर्म फर्स्ट लगाना है, फॉर्म सेकंड लगाना है, फॉर्म थर्ड लगाना है, फॉर्म फोर्थ लगाना है। तो अगर हम फॉर्म फर्स्ट लगाते हैं, फॉर्म सेकंड लगाते हैं, तो वो हमें डायरेक्टली पता पड़ना पड़ेगा कि जो पर्टिकुलर इक्वेशन है उसमें वो सिंगल डिग्री है, तो हम फॉर्म फर्स्ट लगा देंगे। अगर सिंगल डिग्री नहीं हो पा रहा है तो हम उसको फॉर्म सेकंड से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अब मान लीजिए कभी कभी हम dm बाई dy वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और dn बाई dx वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अगर मान लीजिए वहाँ पर n अगर सिंपल दिया हुआ है, यानी कोई सिंपल टर्म्स में, और कभी कभी एम आपको सिंपल टर्म्स में दिया होता है, तब आप इस पर्टिकुलर इक्वेशंस का यूज़ कर सकते हैं। और जो इंटीग्रेशंस करते हैं आप डी एम बाई डी वाई और डी एन बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू भी आपको काफ़ी ज़्यादा सिंपल मिल जाती है, तब आप इन मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए फॉर्म थर्ड को सीखते हैं कि जब हम डी एम बाई डी वाई माइनस डी एन बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई कैपिटल एन अगर हम करते हैं, तो उसकी जो वैल्यू आती है वो एफ एक्स के इक्वल आती है। यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ एक्स अलोन, यानी कि जो एक्स है वो केवल हमारा यहाँ पे जो मिले हम जब एन से डिवाइड करें, तो केवल एक्स का कोई फंक्शन आ जाए, केवल अगर एक्स का कोई फंक्शन आ जाएगा तो इंटीग्रेशन फैक्टर आपका आ जाएगा ई की पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। डायरेक्टली आपका इंटीग्रेशन फैक्टर ये आपका मिल जाएगा आपको। देन अगर मान लीजिए कभी कभी आपका एम सिंपल फॉर्म में गिवन है, एंड डी एन बाई डी एक्स माइनस डी एम बाई डी वाई अगर आप करते हैं और कैपिटल एम से डिवाइड करते हैं, तो केवल फंक्शन ऑफ वाई आपको मिलता है, यानी फंक्शन ऑफ वाई अलोन आपको मिल रहा है, तो आप इसका इंटीग्रेशन फैक्टर डायरेक्ट लिखेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन जी वाई डी वाई। यहाँ पे ये जो है जी है, आप इसको थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, यहाँ नोट में एफ लिखा दिए एफ लिखा गया है, तो आप इसको जी समझना है, ये जी लिखा हुआ है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे जी वाई कर दिया है। ओके, देन अगर आप केवल फॉर्मूला देखेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर नहीं होगी, अगर आप एक एग्जांपल समझेंगे तो डेफिनेटली आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब देखिए यहाँ पे आपको एग्जांपल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स एक्स वाई डी वाई इक्वल टू जीरो दिया है, तो जब आपने इसमें पहचाना तो एम की वैल्यू आपके पास आई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, एंड एन की वैल्यू आई आपके पास एक्स वाई। तो जब आपने डी एम बाई डी वाई कैलकुलेट किया तो वो टू वाई के इक्वल आया, एंड डी एन बाई डी एक्स जब आपने कैलकुलेट किया तो वाई के इक्वल आया। तो यहाँ से आपको पता चला कि ये नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है। ये कौन सी इक्वेशन है आपकी? नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है। तो नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन होने के कारण क्या होगा कि जो एन है आपने इसको पता लगा कि ये आपका डायरेक्टली नहीं होगा, आपको कुछ ना कुछ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए आप देखेंगे कि फॉर्म फर्स्ट में लगाऊं क्या, तो फॉर्म फर्स्ट इसमें नहीं लगेगी, क्योंकि देखिए ये सेकंड डिग्री का ऑर्डर की है, ये भी सेकंड डिग्री है, यहाँ पर सिंगल डिग्री है, क्योंकि प्लस प्लस में सबकी डिग्री सेम आनी चाहिए, यहाँ पर ये सिंगल डिग्री है, सॉरी डबल डिग्री है, क्योंकि एक एक्स से पावर एक वाई से, दोनों की पावर का समेशन टू होगा, और यहाँ पर टू है एंड वाई स्क्वायर है प्लस में, तो वो भी टू है लेकिन एक्स सिंगल है, तो फर्स्ट नहीं लगेगा। अगर आप सेकंड लगाने की कोशिश करेंगे तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसको फॉर्म थर्ड से सोल्व करें। फॉर्म थर्ड से भी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो एन है वो हमें सिंपल मिला है यहाँ पे। अगर आप फॉर्म फोर्थ से करेंगे ना, तो आपका एम जो है ना वो डिवाइड में आपका इतना बड़ा टर्म्स आएगा, यानी ऊपर तो आपका मान लीजिए माइनस वाई मिल जाएगा जब आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे वाई माइनस टू वाई, लेकिन नीचे आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स मिल रहा है, तो उसमें वो केवल फंक्शन ऑफ वाई नहीं है, उसमें एक्स भी आ रहा है, तो जैसे वही फॉर्म फोर्थ नहीं लगेगा, फॉर्म थर्ड आपको लगाना पड़ेगा। जो फॉर्म थर्ड आपका लग जाएगा ईजिली, कैसे पता लगेगा आपको फॉर्म थर्ड लगेगा, क्योंकि जब आप इसमें सोल्व करते हैं तो वाई आपको पता चल रहा है कि एन में एक्स वाई आ रहा है, तो वाई वाई कैंसिल होने के चांसेस है और केवल एक्स की टर्म्स मिलने के चांसेस है। तो यहाँ पे कुछ पोर्शन आपका कट हो गया था, ये आपका डी एम बाई डी वाई मान लीजिए है डी एम बाई डी वाई, एंड यहाँ पे डी एन बाई डी एक्स था। ओके, डी एन बाई डी एक्स डिवाइड बाई एन है, तो जब इतना आपने इसको सोल्व किया तो डी एम बाई डी वाई की वैल्यू आपके पास कितनी थी, टू वाई थी, आपने टू वाई पुट कर दी और डी एन बाई डी एक्स की वैल्यू वाई पुट कर दी, एंड जो एन की वैल्यू है वो आपके पास एक्स वाई है। तो जब आपने सोल्व किया तो ये वाई बाई एक्स आ गया, वाई बाई एक्स वाई आ गया, वाई से वाई कैंसिल हो गया, यानी वन बाई एक्स आपको इसकी वैल्यू मिल गई। तो यहां से अगर आप देखते हैं कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका जो वैल्यू आ रही है वो e की पावर इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स आ गया है। ओके, आपने क्या किया कि जो एफ एक्स आया, एफ एक्स की वैल्यू आपके पास 1 बाई एक्स आ चुकी है। ओके, तो 1 बाई एक्स को आपने यहाँ एफ एक्स में पुट कर दिया, या खाली आपको एफ एक्स को पुट करना है, तो 1 बाई एक्स डी एक्स आया, इसको सोल्व किया तो e log x आ गया, 1 बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है। तो जब हम जानते हैं कि जब e की पावर log a इस तरीके से कोई कंडीशन होती है तो इसका सोल्यूशन a होता है, तो डायरेक्टली इसका सोल्यूशन आपको x मिल गया, यानी कि आपको इंटीग्रेशन फैक्टर मिल गया है।
तो आप क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई जो होगा उसमें उसको एक्स से कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप इसको एक्स से कंप्लीट मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली आपको वापस चेक नहीं करना है, आपको एग्जैक्ट इक्वेशन ही मिलेगी वो। और अगर आप करके चेक करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, आपको वो एग्जैक्ट मिलेगी। करने के लिए क्या करेंगे, आप दोबारा इस वाले टर्म्स को इंटीग्रेशन करेंगे और इस वाले टर्म्स को इंटीग्रेशन करेंगे, देखेंगे कि दोनों इक्वल आ रही है नहीं आ रही है। अगर इक्वल आ जाती तो इंटीग्रेशन आपकी एग्जैक्ट इक्वेशन है, तो यहाँ पर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपकी दोनों इक्वल आएगी। ओके, तो हमने देखा था कि जब हमारी एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाती है तो जनरल सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, एम डी एक्स का इंटीग्रेशन प्लस एन में वो टर्म्स जो फ्री फ्रॉम वाई है वो लिखनी है, देन डी वाई इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पे अगर हम इस टर्म्स को देखें तो ये फ्री फ्रॉम एक्स नहीं है, एन की वो टर्म्स लिखनी है, सॉरी एन की वो टर्म्स लिखनी है जो फ्री फ्रॉम एक्स है। तो यहाँ पे एन की जो टर्म्स है उसमें एक्स से फ्री कोई टर्म्स नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई बने बनता है, तो इसमें तो एक्स के टर्म्स वाई के साथ एक्स की टर्म्स आ रही है, मान लीजिए इसके साथ केवल वाई आता तो डायरेक्टली हम वाई लिखते हैं यहाँ पे और वो फ्री फ्रॉम एक्स होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा केस है नहीं, तो ये वाली टर्म्स फ्री फ्रॉम एक्स से डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगी। एंड ये जो टर्म्स है वो एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगी जब एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारा इसका सोल्यूशन आएगा एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया कि किस तरीके से ऐसे कल सोल्व हो सकते हैं। अब मान लीजिए एक और क्वेश्चन आया जिसमें थोड़ा अलग है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो m की टर्म्स है वो ज़्यादा सिंपल है कंपेयर टू n की टर्म्स से। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जांपल में देखिए क्वेश्चन है y की पावर 4 प्लस 2y का ब्रैकेट dx प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस 2y 4 माइनस 4x dy इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप m की वैल्यू निकालते हैं तो m की वैल्यू है y की पावर 4 प्लस 2y एंड n की वैल्यू है एक्स वाई क्यूब प्लस 2y 4 माइनस 4x। ओके, एम की वैल्यू क्या है आपके पास, वाई की पावर 4 प्लस 2y, एन की वैल्यू एक्स वाई क्यूब प्लस 2y की पावर 4 माइनस 4x। यहाँ से आपने डी एम बाई डी वाई निकाला है, डी एम बाई डी वाई अगर आपने निकाला है तो वो आप इंटीग्रेशन करेंगे तो 4y क्यूब प्लस 2 आएगा एंड डी एन बाई डी एक्स है वो वाई की पावर क्यूब माइनस 4 आएगा। तो दोनों आपके इक्वल नहीं है, इसलिए ये नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन आपकी हो गई है। तो अब आपने देखा कि इसमें अगर आप डिवाइड करेंगे तो आप एन अगर डिवाइड करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स है, और इसमें आपको ऐसे भी पता लग जाएगा कि एक्स और वाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको और प्लस में भी साथ में कोई टर्म्स है तो कैंसिल करना काफी डिफिकल्ट है। लेकिन एम को देख रहे हैं तो केवल वाई वाई है, तो आपको लग रहा है कि वाई कॉमन आ सकता है, तो इस वजह से हम फॉर्म फोर्थ का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें हम एम से डिवाइड करते हैं और वाई वाई कॉमन आके कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आपने क्या किया कि फॉर्म फोर्थ का यूज किया, डी एन बाई डी एक्स माइनस डी एम बाई डी वाई इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई एम हो रहा है आपका। ये आपको मैं ट्रिक्स बता देता हूँ कि जो एंड में यहाँ पे इंटीग्रेशन जिसका आ रहा होगा यानी एम का आ रहा होगा वही यहाँ पे डिवाइड में आ रहा होगा, ये ध्यान रखना है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं कि किस केस में माइनस आएगा तब कौन सा नीचे आएगा। ओके, देन हमने इनकी वैल्यू जब रख दी जो हमने सोल्व करी थी, वाई थ्री माइनस फोर माइनस 4y³ माइनस 2 आ जाएगा। ओके, सिंबल की वजह से। ओके, देन डिवाइड में आपका m की वैल्यू आएगी y की पावर 4 माइनस प्लस 2y। जब आपने सिंप्लीफाई किया तो ये आपको मिला माइनस 3y³ माइनस 6 डिवाइडेड बाई वाई की पावर 4 प्लस 2y। तो ये आपको पता चला कि ये जो पूरी की पूरी टर्म्स है ये y के ऊपर मतलब डिपेंड कर रही है, केवल y पे डिपेंड कर रही है। ओके, तो जब आपकी पूरी की पूरी टर्म्स अगर y पे डिपेंड कर रही है तो आपको उस पर्टिकुलर टर्म्स का आइडिया लग गया। अब देखिए इसमें आपको एक और चीज़ समझने की कोशिश करनी है कि जो इसमें टर्म्स है इसको आपको कैसे पता चलेगा कि पर्टिकुलरली आपको इसको आगे कैसे। देखिए यहाँ से जो इक्वेशन है इसमें आप न्यूमरेटर्स में से माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो आपका अंदर क्या बचेगा, वाई 3 प्लस 2 एंड जो डिनोमिनेटर है उससे अगर आप वाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बनेगा वाई 3 प्लस 2। तो वाई 3 प्लस 2 वाई 3 2 में ये कट जाएगा तो माइनस 3 बाई वाई आएगा, माइनस 3 बाई वाई आपका आ चुका होगा तो माइनस 3 बाई वाई आएगा। तो आप जब इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे और आपको पता है कि जब आप इसका सॉल्यूशन करते हैं तो केवल फंक्शन ऑफ वाई आना चाहिए जो कि सेटिस्फाई हो रहा है, तो इंटीग्रेशन फैक्टर आपका होगा ई की पावर इंटीग्रेशन जी वाई डी वाई। तो जब जी वाई की वैल्यू आप पुट कर देंगे माइनस 3 वाई एंड डी वाई जब आप इसको इंटीग्रेशन करेंगे ई की पावर के अंदर तो ये आपको मिलेगा ई की पावर ln। ओके, ई की पावर माइनस 3 ln y। ओके, ई की पावर माइनस 3 ln y मिलेगा क्योंकि dy y का इंटीग्रेशन ln y आ जाएगा। तो ये जो माइनस 3 है ये आपका पावर में चला जाएगा क्योंकि ln के आगे जो टर्म्स होती है हम उसको पावर में भेज सकते हैं, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो e ln आपको बताया कि कैंसिल होकर y की पावर माइनस 3 मिल जाएगा। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, 1 बाई वाई क्यूब। ओके,
ओके काफ़ी इजी है, आप समझ गए होंगे। देन हम क्या करेंगे, जो हमारी गिवन इक्वेशन चाहिए, जो गिवन इक्वेशन है इसको आप कम्प्लीटली वाई क्यूब से इंटू कर देंगे, जो कि वन बाई वाई क्यूब आया, इससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप वन बाई वाई क्यूब से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि कुछ टर्म्स आपकी कैंसिल हो जाएगी, यानी जनरल सोल्यूशंस में आपको देखेंगे कि यहाँ पर केवल आपका वाई प्लस टू वाई स्क्वायर बच जाएगा कैंसिल करने के बाद, और इसमें से भी अगर आप वाई क्यूब का आप डिवाइड कर देंगे तो आपका कुछ टर्म्स आपका एक्स प्लस टू वाई माइनस 4x डिवाइड बाई वाई क्यूब बचेगा। अब हमने देखा था कि n की वो टर्म्स लेनी है जो फ्री फ्रॉम x है, तो इस वाले टर्म्स में x आ रहा है, इस वाले टर्म्स में x आ रहा है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, केवल 2y एक टर्म्स आ रहा है जिसमें x की टर्म्स नहीं आ रही है, तो हम उसको इंक्लूड करेंगे। जब y का हम इंटीग्रेशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो xy मिलेगा, एंड इसका पर्टिकुलर 2 बाई वाई क्यूब का x के रेस्पेक्ट में 2x डिवाइड बाई वाई स्क्वायर मिलेगा, एंड जो ये 2y है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई स्क्वायर बाई 2 मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी वाई स्क्वायर मिलेगा। तो ये फाइनली आपको सोल्यूशन मिल जाएगा xy प्लस 2x डिवाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। तो इस तरीके से काफ़ी ईजी है, मैंने आपको दोनों ही फॉर्म थर्ड एंड फॉर्म फोर्थ दोनों पे आपको एक एक एग्जाम्पल सोल्व करके बता दिए हैं। ओके अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, एंड फॉर्म थ्री और फॉर्म फोर होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़े से डाउट्स आ रहे हैं तो वीडियो को वापस देखिए, एक या दो बार अगर आप उस पोर्शन को देखेंगे तो डेफिनेटली आपको वो क्लियर हो जाएगा। अगर आप और भी अदर कोई डाउट पूछना चाहते हैं तो मुझसे फेसबुक पेज पर जुड़ सकते हैं, मेरा फेसबुक पेज है लाइव मेंटर कुलदीप सिंह राठौड़, जहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करता हूँ, एंड मेरी जो व्हाट्सअप नंबर है 9649945374, वहाँ पर आप अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, स्टे फोकस एंड डू वेल इन योर एग्जाम।